मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया अभिजान। अपने किए पे मुझे कोई रंज या मलाल नहीं है। तो तुम माफी नहीं मांगोगे? क्या हो गया? रायमा के बारे में कुछ कहा था तुमको? मैं आपको आपका जवाब आपके दफ्तर में ही दिया है। ना ना ना, वो बात तुमने कही थी जो मैंने रद्द कर दी थी। मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था और वो 3 दिन गुजर गए। अब जी, मगर मेरा जवाब अब भी वही है। आप भूल जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। ये जो तुम्हारा इनकार है ना, ये मेरे शौक को और बढ़ावा दे रहा है। नहीं, मुझे बेटा बनने में कोई मसला नहीं है। मैं तो बस दामाद नहीं बनना चाहता। अभी बस समझा दे उन्हें। अपनी शादी के बारे में कोई डिसीजन लेके मैं आपको जल्द बताऊंगा। नहीं 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 रायमा, मैं ऐसा ही हूं जो कह देता हूं वो करता हूं। बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, इसीलिए मान जाओ, वरना बहुत सारे लोग अपनी जान से जाएंगे और अफसोस होगा मुझे। तुम्हें मेरा नया नंबर कहां से मिला? हारून से मांगा, उसने दे दिया। झूठ मत कहो, वो तुम्हें मेरा नंबर क्यों देंगे? तुमसे बात करने के लिए और क्यों? उसे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए तुम उससे प्यार नहीं करती। जज्बाती बातें, जज्बाती होके सोचते हैं सब। चलें, सोच लें, वक्त लें थोड़ा। 3 दिन है आपके पास। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो, हारून के पास तो उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो किसी और से शादी भी कर लेगा। मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा कि वो कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है। बड़े प्रॉपर तरीके से प्रपोजल भेजा था, पर नहीं रह सकता था ना तुम्हारे बगैर। दिलो दिमाग पे हावी हो चुकी थी, नहीं हासिल करता तो मर जाता मैं। तो खुद जिंदा रहने के लिए आपने मुझे मारा। दोस्ती जिससे मर्जी कर ले, लेकिन दुश्मनी हमेशा अपने बराबर वाले से करनी चाहिए। मेरा ताल्लुक बहुत इज्जतदार खानदान से है, और हम लोग इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ऐसी होती है बीवी। बोलिए। ऐसी होती है, ना अकल ना तालीम ना तहजीब, बेजोड़ शादी हमारी। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम काफी अपसेट हो। इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज फाइन, बस तुम बात कम क्यों करो? तुम्हें मेरा बात करना कब से बुरा लगने लगा? तुम इतने सवाल क्यों करती हो मुझसे? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुल्तान, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हर वक्त इतने बुरे मूड में फिरते हो, बात करते हुए भी डर लगता है तुमसे। हंसना भूल गए हो क्या? मैं कोई जोकर नहीं हूं तो तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए कह क्या लगाता फिरूं? शादी की है तुमने मुझसे, खरीदा नहीं है मुझे, जो अपनी उंगलियों पर न जाना चाहती हो। कहां गए थे, क्यों गए थे, अपसेट क्यों हो, वहां क्यों गए थे? सीरियसली, थोड़ी सी और मेहमान नवाजी और फिर इसको वहीं फेंक देना जहां से उठाया था। जिस थाली में खाता है उसी में छेद किया। मेरा आदमी होके मेरी जासूसी करता है। वो बात तुमने कही थी जो मैंने रद्द कर दी थी। मैंने तुम्हें 3 दिन का वक्त दिया था और वो 3 दिन गुजर गए। बस तो यूं समझ लीजिए कि वो वक्त अभी आया नहीं। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरा बिजनेस है। ये गुस्सा और जिद मुझे विरासत में मिली है, और एहतजाज की इजाजत देता नहीं हूं मैं किसी को। जी जी जरूर, मैं आपको जरूर बताऊंगा अगर मेरी नजर में कोई अच्छा रिश्ता आया रिदा के लिए। वैसे भी रिदा मेरी छोटी बहनों की तरह ही तो है। अच्छा बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। Yeah.